छोटू मैचबॉक्स से हम बनाएंगे एक इरेजनर, मतलब इरेजर प्लस शार्पनर। सो हे गाइज, वेलकम टू क्राफ्ट ट्यूब। और आज की वीडियो इस चैनल के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे होने वाली है, और वो है हमारा मैचबॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये रहा हमारा मैचबॉक्स जिसे मैंने अपने किचन से चुरा कर लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं ये एम का मैचबॉक्स ले रहा हूँ, और साथ में मैं ले रहा हूँ ये डुअल साइडेड टेप। और मैचबॉक्स के टॉप एज पे मैं कुछ इस तरीके से चारों ओर से चिपका देता हूँ। उसी तरह मैचबॉक्स के डाउन एज पे भी मैं डुअल साइडेड टेप चिपका लूँगा। और फिर हम उसके लेयर को हटा लेते हैं। हटाने के बाद येलो पेपर मैचबॉक्स के चारों तरफ चिपका लेंगे, और बचा हुआ पेपर को कट करके हम कुछ इस तरीके से अंदर चिपका देते हैं। और फिर हम ये मैचबॉक्स को पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। और अब हम एक शार्पनर लेते हैं, और शार्पनर को मैचबॉक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से रख देते हैं, और पेंसिल की मदद से उसके एजेस पे मार्क कर लेते हैं। तो मार्क करने के बाद हम ब्लेड से उसे कटआउट कर लेंगे। कटआउट करने के बाद ये हमारा मैचबॉक्स में कुछ इस तरीके से होल बन जाएगा, जिसमें हमारा शार्पनर आसानी से इसके अंदर जाकर एडजस्ट हो सकता है। और फ्रंट साइड में भी हम एक होल कर लेंगे, जिससे हम अपने पेंसिल को शार्प कर सकें। और फिर मैं ये डोम्स का दो इरेजर लेता हूँ, और हॉट ग्लू की मदद से पहले हम शार्पनर को चिपका लेते हैं। उसके बाद दोनों इरेजर को मैचबॉक्स के दोनों एंड पे भी चिपका लेंगे। दोनों एंड पे इरेजर चिपक चुका है, और अभी हम इसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस पे कुछ डूडलिंग करेंगे। तो मैं ब्लैक पेन ले रहा हूँ, ब्लैक पेन की मदद से मैं इस पे कुछ डूडल बनाने वाला हूँ। और डूडल बनाने के बाद मैं इस पे पेन से कुछ इस तरीके से कलर करने वाला हूँ। तो ये मैंने ऊपर में ग्रीन कलर का कुछ डूडल किया है, और नीचे में भी मैंने ब्लू कलर से डूडलिंग कर दिया। तो ये अब बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव लग रहा। सो गाइस, हमने ये इरेजर बनाकर रेडी कर लिया है, और आप देख सकते हो कितना ही क्यूट लग रहा। और मैं तो इसे हमेशा अपने पास रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरा इरेजर और शार्पनर कहीं खोएगा नहीं, दोनों एक साथ ही रहने वाला है। और आप भी इसे अगर आप बनाकर अपने स्कूल में लेकर जाते हो, तो आप भी कूल बन सकते हो। तो अब हम इसे यूज़ करके देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। तो हम लेंगे पेंसिल। तो ये रहा पेंसिल, जो कि आप देख सकते हो टूटा हुआ है। तो इसे हम शार्प करके देखते हैं। आप देख सकते हो कितना ही आसानी से ये शार्प हो रहा है। और ये देखिए, हमने पेंसिल भी शार्प कर लिया। तो इसके इरेजर को ट्राई करके देखते हैं। तो हम लेंगे एक नोटबुक, और नोटबुक पर हम लोग कुछ लिखते हैं। और अब तो आप देख सकते हो कितना ईजिली ये इरेज हो चुका है। तो अगर आप देखोगे तो इसका इरेजर भी बिल्कुल टूटा नहीं है, और बिल्कुल भी हिला भी नहीं है, ये बिल्कुल मजबूती से इसमें बंधा हुआ है। होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करना। तो जाते जाते आपको पता है क्या करना है, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।